इतना ज्यादा ठंड में आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि फ्रेंड्स दिन दिन जो बहुत ज्यादा ठंड जो हमारे यहाँ पर गिर रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ मेरे यहाँ पर नहीं, आप इस वीडियो को जो देख रहे हो सभी के घर में जो बहुत ज्यादा ठंड अभी है। और इस फ्रेंड्स इतने ठंड में जो जितने भी स्टूडेंट लोग फ्रेंड्स कैसे पढ़ाई करे, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने में, क्योंकि फ्रेंड्स इतना ज्यादा ठंड है और फ्रेंड्स ठंड बैठ बैठ के जो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा आना चाहता है। जब भी फ्रेंड्स आप लोग जो पढ़ाई करने बैठते हो जो आपका जो नींद आ जाता है, कौन ही इसके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है पढ़ाई करने में, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आज का भाई आपके लिए जो है बहुत मस्त जो एक चीज जो आपके लिए लेके आया है, क्योंकि आज के वीडियो पे हम बनाएंगे एक रूम हीटर, बहुत ज्यादा सिंपल सा होने वाला है, बहुत ज्यादा मस्ती भी होगा वीडियो पे और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इजी नहीं फ्रेंड्स देसी जुगाड़ में और कम पैसे में जो है पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को जो पूरा अंत तक देखना हो फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करो तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो भाई लोग यहाँ आपको सबसे पहले जो है आपको 5 इंच का पाइप लेना है, उसका जो मोटाई जो आपको 3 इंची के आसपास जो होना चाहिए। तो अभी इसका जो है मैं देख सकता हूँ कुछ इस तरह का जो है मेरे पास जो है पुराना था, तो फ्रेंड्स देसी जुगाड़ में बनाएंगे तो पूरा का पूरा जो है कम पैसों में बनाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स एक साइड से बंद करना पड़ेगा, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको एक शीट चाहिए, तो मैंने इसका सिंपल सा जो है पाइप को जो एक साइड से काट के जो मैंने इसे गर्म करके एक पीस जो है बनाने है। तो अभी इसका जो एक ढक्कन चाहिए हमें एक साइड को बंद करने के लिए, तो चलिए इसको बनाते हैं अभी। तो भाई यहाँ पर तो पूरा रेडी हो चुका है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है होंडर चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नॉर्मल सा होंडर का भी यूज़ कर सकते हो, फिर यहाँ पर जो आप महंगा भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स आप वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर से ले चुका हूँ ढक्कन, और ढक्कन के मीडियम साइज पूरा का पूरा जो सेंटर में आपको एक होंडर आपको जो होन करना है, जिस पर फ्रेंड्स ये जो होंडर है इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आप फिट करोगे। तो चलिए यहाँ पर जो मैं होन जो अभी करता हूँ, फ्रेंड्स आपको जो प्रॉपरली होन करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो अगर जब देख सकते होन जो हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा सा जो पूरा का पूरा फिट होकर जो बैठ रहा है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली करना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स इसको जो कुछ इस तरह से आपको रख के इसको जो आपको फेविक्विक के यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू से फ्रेंड्स अच्छे से फ्रेंड्स आपको ग्लू से चिपकाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा चिपक चुका है फ्रेंड्स, अच्छे से जो है टाइट भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको वायर लेना है, तो फ्रेंड्स मेरे पास जो छोटा सा वायर है, तो आप जो है आपके हिसाब से जो बड़ा लंबा वायर भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल यहाँ जो छोटा सा एक जो यूज़ में 1 मीटर का जो है वायर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जो आपको कनेक्ट करना है होंडर में देख सकते हो, तो बहुत सिंपल सा होने वाला फ्रेंड्स, बहुत ईजी नहीं जो आप बना सकते हो घर में। तो अभी यहाँ पर जो आपको एक गार्ड बांधना है, जिससे फ्रेंड्स नहीं आए जब खींचे तो फ्रेंड्स जो है अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाए। तो अभी इसको इसका जो ढक्कन है होंडर का, तो इसी ऑफेंस यहाँ पर स्ट्रिंग उसे अच्छे से चिपकाना है। तो अभी फ्रेंड्स इसका जो इस तरह का ढक्कन है, इसको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको रख के इसको फ्रेंड्स इसको भी फ्रेंड्स स्ट्रिंग उसे जो आपको चिपकाना है। तो भाई लोग यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अच्छे से जो यहाँ पर देख सकते हो एक साइड से तो बंद हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको शीट लेना है, उसका फ्रेंड्स कुछ इस तरह का जो आपको पेयर बनाना है, जिससे फ्रेंड्स जो सपोर्ट होगा और इसके ऊपर जो है बैठेगा। तो इसको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन करके जो काट लिया हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिर से वो पाइप लेना है और पाइप के ऊपर जो इसको आपको फिट करना है। तो आपको फ्रेंड्स बहुत ईजीली जो फिट हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ पर कोई भी आप ग्लू से जो चिपका सकते हो, मैं यहाँ पर जो इंस्टेंट ग्लू से इसको अच्छे से यहाँ पर जो चिपका रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स कंजूसी मत करना, फिर अच्छे से जो आपको यहाँ पर चिपकाना है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से जो मैंने थोड़ा सा इसको मोड़ के जो मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरह का पूरा हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से जो है खराबी हो रहा है पूरा का फुल नहीं, बैलेंस है फ्रेंड्स पूरा का पूरा अच्छे से। सो गाइस इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको एक जानी लेना है। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो जानी है फ्रेंड्स मेरे पास जो घर में पड़ा था, तो मैंने उसको जो उठा लिया, तो उसको मैं यहाँ पर अभी काम में लगा दूँगा। फिर आप जो थोड़ा मोटा भी नहीं सकते हो, थोड़ा सा पतला भी नहीं सकते हो, तो उस समय अभी आपको गोल राउंड में जो आपको कट करना है कुछ इस तरह से देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से कट करना है फ्रेंड्स। या जो आप देख के जो देख सकते हो काट के जो मैं आपको थोड़ा सा मोड़ना है, मोड़ने के बाद इसके अंदर जो है आपको फ्रेंड्स इसके अंदर जो मेन जो आपका टास्क है वो फ्रेंड्स हमारा जो ये बल्ब है। तो मैंने यहाँ पर जो 60 वाट का एक बल्ब का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जो है 100 वाट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर 200 वाट का जो है यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना जो आपको हीट चाहिए। तो मेरे पास जो मैं फिलहाल मैं यहाँ पर जो 60 वाट का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो जानी है उसको मैं देख सकते थोड़ा मैंने मोड़ दिया हूँ, और मोड़ने के वजह कारण है फ्रेंड्स यहाँ पर जो अच्छे से जो फिट आ जाएगा। तो मैं बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो घर में ही, देख सकते हो मैं अच्छे से फिट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्नू भी दे सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर व्यू मैं आपको देता हूँ।
भाई ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो फ्रेंड्स अभी आ रहा है धीमे धीमे। तो गाइस यार हमारा आ चुका है एक्सटेंशन बोर्ड फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको नाइप दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो तो आ चुका है हमारा जो है मेन प्रोजेक्ट जो फ्रेंड्स हमने बनाया था हीटर। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 240 वोल्ट पर जो डायरेक्ट इसका कनेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा अच्छे से जो है वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छा जो हीट दे रहा है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर जो 60 वाट का जो है यूज़ करा हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है 100 वाट या फिर 200 वाट का जो बल्ब यूज़ कर सकते हो, जिससे फ्रेंड्स बहुत अच्छा जो है हीट देगा। और फ्रेंड्स ज़्यादातर जो है जितने भी स्टूडेंट लोग इनके जो है काम में ज़्यादा आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब वो लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसका जो है हाथ जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा ठंड की वजह से जो है पूरा का पूरा सिकुड़ जाता है और फ्रेंड्स जो अच्छे से निक भी नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स जब फ्रेंड्स आप पढ़ाई करने बैठोगे तो फ्रेंड्स आपके सामने जो इसे फ्रेंड्स आप टेबिल पर जो आप इसे जना सकते हो, जिससे फ्रेंड्स आपका हाथ जो है गर्म रहेगा, फिर आप अच्छे से जो प्रॉपरली निक भी सकोगे, फिर आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा फ्रेंड्स। सिर्फ हाथ ही जो गर्म हो आप इससे जो बहुत अच्छा अच्छा जो काम कर सकते हो, बहुत अच्छा बना है फ्रेंड्स और बहुत अच्छा जो इसका देख सकते हो हीटर हीट भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा ही दे रहा है। सो फ्रेंड्स डी मोटर आपको कैसा लगा तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दोगे। अगर आपको इस तरह का क्रिएटिव वीडियोस और भी चाहिए तो मेरे चैनल को जो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद भी आए तो फ्रेंड वीडियो को जो अभी कभी लाइक कर दो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय, जय हिंद जय भारत।